नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी जन्म तिथि से कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी अब देखिए इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं हमारे पास जिसमें पूछा जाता है कि हमारी तिथि देख के बताइए कि हमें सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाने का मौका कब मिलेगा तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा मिलेगी प्रॉपर जानकारी जिसमें आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका जिससे क्या पता कर पाएंगे कि आपको अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने का मौका किस उम्र में मिलने वाला है तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं आइए शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं तो दोस्तों जानकारी के लिए हमें सबसे पहले निकालना है अपना किंग और क्वीन का नंबर तो ये अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही निकालेंगे सबसे पहले निकालेंगे किंग का नंबर जो कि बहुत आसान है तो सबसे पहले अपने सिर्फ बर्थ डेट ही देखनी है जो है 21 हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है मतलब कि इसे स्प्लिट करेंगे दो प्लस एक और यहां पर आएगा दोस्तों तीन और ये है हमारा किंग का नंबर इसके बाद इस पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेंगे और इसे स्प्लिट कर देंगे मतलब दो प्लस एक प्लस पांच प्लस एक प्लस नौ प्लस नौ और आठ अब इसका जो तो जोड़ आएगा दोस्तों ये है पैंतीस अब इसे हम फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे कंप्लीट करेंगे तीन प्लस पांच तो यहां पर दोस्तों आएगा आठ अब ये है हमारा क्वीन का नंबर तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दोस्तों किंग और क्वीन का नंबर जो हमारा किंग और क्वीन नंबर है और इसी के साथ जो डेट ऑफ बर्थ है इन सभी नंबर्स को हमें डाल देना है अपनी लोशु ग्रिड में लोशु ग्रिड आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी तो जिस खाने में जो नंबर है वही नंबर हम इस लोशु ग्रिड में डालेंगे और जो खाने में नंबर नहीं आ रहा है उसे खाली छोड़ देंगे मतलब डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है वो यहां पर खाली छोड़ दिया जाएगा जैसे कि दो है तो दो को यहां पर लिख लेंगे एक है एक को यहां लिखेंगे एक दो बार है तो दो बार लिखेंगे इसके बाद है पांच पांच को बीच में लिखेंगे क्योंकि लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही लिखना है जिस पोजीशन पे जो नंबर है इसके बाद नौ जो है दो बार है तो इसे भी दो बार ही लिखेंगे इसके बाद आता है आठ आठ को लिखा जाएगा यहां पर आठ दो बार है एक बार तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में और एक है क्वी नंबर तो दो बार लिखा जाएगा इसके बाद आता है दोस्तों तीन नंबर तीन को यहां पर लिख देंगे तो दोस्तों यह हमारी लोशु ग्रिड कंप्लीट हो चुकी है अब हम जानेंगे इस लोशु ग्रिड में बरे हुए नंबरों से कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी पाने का आपको मौका कब मिलेगा तो दोस्तों यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी नंबर होते हैं वो है यहां पर हमारा आठ सरकारी नौकरी के लिए आठ जो है अगर आपकी लोशु ग्रेड में दो बार है दोस्तों ये आपके जीवन में स्टडी को दिखाता है और अगर दो बार आ जाता है तो ये हायर स्टडी के साथ आपके जीवन में ज्यादा ज्ञान को दिखाता है और अपने ज्ञान के दम पे ही अपनी विद्या के दम पे ही आगे बढ़ते हैं और अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं अब इसके साथ देखा जाता है एक अब दो बार एक है तो बहुत अच्छा है अब अगर ये तीन बार बन जाए मतलब ये आपके सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है मतलब दोस्तों यहां पर जो है अगर तीन बार एक आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस और भी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं मन चाहे नौकरी को प्राप्त करने के पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये चार बार आ जाए आपके इस खाने में तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है जो भी आप चाहते हैं और आपका जो कार्य है जो 10 दिन में हो सकता है वो 20 से 30 दिन में होगा मतलब कि स्ट्रगल बढ़ जाती है संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव करने के लिए अब इसके बाद यहां पर आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताएंगे सबसे पहले ये वाला सीक्वेंस आपको देखना है आठ पांच और दो का अगर ये वाला सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है तो दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी आप बहुत जल्द ही प्राप्त कर लेंगे अब उम्र क्या है वो आपको बाद में बताते हैं सबसे पहले आपको ये बता दें कि सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं अब ये वाला सीक्वेंस कंप्लीट है और ये वाला नहीं है मानकर चलिए कि चार और छह भी होता चार पांच और छ मतलब यहां पर चार रहता है यहां पर छह रहता है ये सीक्वेंस भी कंप्लीट होता मतलब कि प्रॉपर क्रॉस बन जाता ये और ये तो दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी जो है आपके मन चाहिए पोजिशन पे आपको मिल जाती है मतलब जिस पोजिशन पे आप चाहते हैं जो भी आप बड़ा पद है चाहे बड़ी पोजिशन है तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं मन चाहिए नौकरी पर ये वाला सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है पर ये वाला है तो भी आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी पर आपकी मन मर्जी अनुसार शायद ना मिल पाए सरकारी नौकरी या फिर ऐसी नौकरी जो आप प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहते हैं मिल तो जाएगी पर मन चाहे नहीं मिल पाती है अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चार नंबर नहीं है तो आपको अपनी मनचाही इच्छा या फिर ये कहिए कि गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका पूरी करने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि चार जो होता है दोस्तों अगर इस खाने में हो तो आपको संपत्ति का योग दिखाता है ये अब आपके लोश ग्रिड में कौन सा नंबर नहीं है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा क्योंकि यहां से पता चल जाएगा कि आप क्या एनालाइज कर रहे हैं या फिर कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड में मिसिंग है अब इसके बाद पांच नंबर जो है दोस्तों ये आपके मनोबल को दिखाता है देखने को मिलता है कि अगर पहली बार में मौका नहीं मिला तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य ही छोड़ देते हैं तो दोस्तों यहां पर आपके अगर लोशु ग्रिड में पांच नंबर है तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल ही मनोबल नहीं छोड़ते हैं सहन शक्ति बहुत होती है एक बार नहीं दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में तो गोल को अचीव कर ही लेते हैं अब याद रखिएगा कि अगर आपकी लोशु ग्रिड में इस प्रकार से नौ बना हुआ है तो दोस्तों और वो भी दो बार याद रखिएगा कि दो या तीन बार है तो ये आपकी प्रसिद्धि को दिखाता है जब आपने जॉब प्राप्त की है या फिर जो भी आपने कार्य शुरू किया है जिस भी फील्ड में तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आगे चलकर जो है आप अपने जीवन में उस कार्य की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं फेम मिलता है लोग आपको जानने लगते हैं अब एक बात का ध्यान रखिएगा नौ पांच और एक इनमें से नौ no मिसिंग है या पांच मिसिंग है या एक मिसिंग है इनमें से अगर कोई भी एक नंबर मिसिंग हो जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस कम हो जाते हैं जी हां मान के चलिए कि पांच मिसिंग है तो ये और ये आपको बताया था कि क्रॉस वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा पांच की वजह से तो दोस्तों आगे चलकर जो है आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस कम और खुद का अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं बिजनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है अब मान के चलिए कि आठ भी है एक भी है और इसी के साथ यहां पर दोस्तों नौ भी है और पांच का भी सहयोग मिल रहा है तो दोस्तों आपको जो सरकारी नौकरी है देखने को मिलता है कि चौबीस से पच्चीस साल की उम्र के आसपास रास्ता आपको मिल जाता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों सत्ताईस साल की उम्र तक आपको मौका मिल सकता है एक दो साल ऊपर नीचे और हो सकता है तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको अपनी मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी पाने का मौका कब मिलेगा आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आज आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमरोलॉजी हंड्रेड एक्यूरेट नहीं होती है मानने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो के अपडेट के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तुम इजाजत दीजिएगा नमस्कार